सज्जनों, मित्रों, आज हम यहाँ पर किसी की अंतिम यात्रा मतलब अग्नि संस्कार करने आए हैं और उन्हें शांति देने भी कि वो हमारे बंधनों से मुक्त हो जाए। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में जीवन का 16वां संस्कार है। हमारे संस्कारों में, हिंदू संस्कारों में 16 संस्कार होते हैं जन्म से मृत्यु तक, और ये अग्नि संस्कार है, ये 16वां संस्कार है, इसलिए इसे हम अंतिम संस्कार भी कहते हैं। सनातन में मानव जीवन में धार्मिक संस्कृतिक रीतियां हम निभाते हैं, और हम सब ये जब हमें और आपको पता भी है, फिर भी सृष्टि के रूपी रंगमंच पर जीवन के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ दो दो शब्दों का खेल चलाई आ रहा है। हमारे साथ जैसे सुख दुख, विजय पराजय, निद्रा, किसी की निंदा, प्रशंसा, प्रकाश और अंधकार, रात और दिन, जन्म और मृत्यु, ये सब निरंतर चलता ही रहता है हमारे जीवन के इर्द गिर्द और साथ में। पर हम कभी ये प्रश्न नहीं उठाते कि सुख के बाद दुख क्यों, रात के बाद दिन क्यों, जीवन के बाद मृत्यु जब आती है, लेकिन जब जन्म के बाद मृत्यु आती है तो हम हजार सवाल पूछते हैं, हजार सवाल खड़ा करते हैं। जब भी कहीं जाते हैं तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं, कैसे हुआ, क्या वजह बनी जाने की। कहीं भी किसी बेड़े में चले जाओ, किसी को शांति देने चले जाओ तो यही पूछते हैं, कैसे हुआ, क्या बीमार थे। और आगे वाले जब कारण बताते हैं तो हम दशियों निवारण बताते हैं। ऐसे करते तो शायद ये नहीं होता, उस डॉक्टर को दिखाते तो ये नहीं होता, उस भोपे के पास जाते तो शायद वो ठीक कर देता, कहीं झाड़ फूक करवानी चाहिए थी। सभी चीजें डॉक्टरों से भी नहीं हो पाती, इस प्रकार के अन्य बहाने हम ढूंढ लेते हैं और उनको सॉल्यूशन बताते लगते हैं। और ये सब किया जाता तो शायद और कुछ वर्ष जी लेते, इनको और कुछ वक्त मिल जाता, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा होगा, ठीक से सेवा नहीं हुई होगी, होती तो आज हमारे बीच होते। मरणोपरांत हम सब उसके बारे में ये बातें करते हैं, और सभी जगह यही बातें चलती है हमारे बीच, मगर सोचना पड़ेगा कि क्या पूर्ण सावधानी रखने के उपरांत भी कोई मृत्यु से बचाए। कोई 18 में गया, कोई 35 में, कोई 65-70, कोई अधिक से अधिक 100 या 110 वर्ष। पूर्ण सावधानी रखने के बाद भी क्या कोई मृत्यु से बचा है या मृत्यु से परे है? कभी ना कभी तो यहां से प्रस्थान करना ही है। ये सब सोचते हुए एक बार एक मनुष्य दुखी होकर अपने गुरु महाराज से पूछता है, सुना है आप मरे हुए को भी जीवनदान दे सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं, क्या वो शक्ति आपके पास है? तो उसके गुरु ने बड़े ही प्रेम से मुस्कुराते हुए उससे कहा कि हाँ, ये शक्ति मुझ में है, किसी को भी मैं जीवनदान दे सकता हूं। तो उस भक्त ने अपने गुरु जी को कई परिवारों के किस्से सुनाए और कहा, इन परिवारों में उनके जाने से इतनी इतनी तकलीफें आई, वो इंसान बच जाता तो इन परिवारों पर ये मुसीबतें नहीं आती। तो आपको उन सब के लिए इतना तो कर ही देना चाहिए था कि उन्हें अतिरिक्त जीवन मिल जाता,
तो गुरु भगवान ने कहा मैं जीवन दे भी देता तो क्या ये फिर नहीं मरते कुछ समय बाद, क्योंकि जीवन शाश्वत नहीं है। यही नियति है, यहां जो फूल खिलते हैं वो दूसरे या तीसरे दिन मुरझा जाते हैं, यहां जो नाड़ी भरती है कुछ समय बाद वो सूख जाती है, यहां अग्नि भी कहीं जलती है कुछ समय बाद शांत हो जाती है। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी जन्म लेना, कुछ वर्ष जीना, अपनी कार्मिक यात्रा में आगे बढ़ना और कुछ अच्छे बुरे कर्मों के साथ मृत्यु की ओर सबको प्रस्थान करना ही है। यही प्रकृति का नियम है और मैं नियम से परे नहीं हूं, मैं भी नियम से बंधा हूं। मैं नियति को चेंज नहीं करता। कालांतर में भी कई प्रकार के लोग हुए जिनमें भक्त, ऋषि, महात्मा, पुण्यात्मा और भी पीछे जाए द्वापर और त्रेता से भी आगे जाए तो देवात्मा, ये ऐसे और ऐसे लोग भी हुए। आज के वातावरण में ऐसे लोगों की अति आवश्यकता है, मगर ऐसे लोग भी अमृत को प्राप्त नहीं हुए। ऐसा हुआ नहीं कि वो मरे नहीं। राम और कृष्ण, महावीर और बुद्ध, मोहम्मद और यीशु क्रिस्ट, ये भी अपनों प्रारब्ध और कार्मिक यात्रा को करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, मृत्यु का वरण किया, मृत्यु से अपने को नहीं बचा पाए। उन्होंने भी इसे सहज स्वीकार किया है क्योंकि वे जानते हैं यही नियति है। जब ऐसे महापुरुष, ऐसे महामानव और जिन्हें हम भगवान मानते हैं वो भी इससे परे नहीं हो सके तो हमारे लिए इससे बच पाना असंभव सी बात है। सारी दुनिया में कोई आंगन ऐसा नहीं मिलेगा जो मृत्यु के कदम ना पड़े हो। कोई भी ऐसी जगह नहीं जो मृत्यु आपको खोज न सके। कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है जो मृत्यु ने दस्तक ना दी हो। जीव के जीवन में दो बातें है ही, जीवन और मृत्यु तो है ही। आपके जन्म के साथ ही मृत्यु भी जन्म ले लेती है। आप जब बड़े होते हैं तो मृत्यु भी आपके साथ युवा होने लगती है। आजकल समाज में एक नया कल्चर चला है हैप्पी बर्थडे मनाने का, केक काटना, मोमबत्ती जलाना और उसको बुझा देना, ऐसा होता है हैप्पी बर्थडे। मोमबत्ती भी ऐसी ऐसी बाजार में आई है जो आप कितने वर्ष के हैं ये दर्शाती है कि आप इतने वर्ष के हो गए। ये आपका 40वां जन्मदिन है और इस प्रकार का बर्थडे मनाकर इंसान बहुत खुश होता है, मगर इससे खुशी मनाने जैसा कुछ है नहीं। वो दिन तो आपको ये याद दिलाता है कि आपके जीवन के 40 वर्ष कम हो गए। बात दुखी और चेतन होने की है कि अधिक जीवन अब बचा नहीं है। मेरी जीवन यात्रा में जितने भी वर्ष भगवान ने दिए थे उसमें से 40 तो कम हो गए, तो ये खुशी की बात नहीं है। मगर न जाने किसी भूलवश इंसान इस दिन को सेलिब्रेट कर खुश होता है। लेकिन जब मृत्यु आती है और मृत्यु के समय मनुष्य को जब जब दुखी होता और रोता है, देखा गया है जो बोल नहीं पाता उसके भी आंसू बहते देखे गए हैं और उस दुखी होने के पीछे भी कारण है, होता है। ये आज हमें किसी के घर जाना होता है और कारण इस प्रकार है कि जब हमें किसी के घर जाना होता है, चाहे दो चार गली छोड़कर या 5-10 किलोमीटर दूर किसी फंक्शन में,
या किसी के घर किसी बात के लिए, तो हम उसके लिए भी सजते हैं, संवरते हैं, तैयारी करते हैं। कोई कहते आ ना ये पास की पास एक गली में जाके आते हैं, तो भी हम कहते ठहरो दो हाथ मुंह तो धोप के आता हूं, इतनी तैयारी तो हम कर ही लेते हैं। मगर थोड़ी दूर, जब थोड़ी दूर की यात्रा के लिए भी हम तैयारी करते हैं, और जब इस लोक से उस लोक तक की तैयारी हमारे पास नहीं है, तो इंसान को जीवन रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि तैयारी नहीं है तो अंतिम समय में दुखी होना और आंसू बहाना ये सहज ही होगा, क्योंकि हमारे पास इस लोक से उस लोक जाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। जब किसी के घर किसी बालक का जन्म होने वाला होता है, तो हम उसके लिए भी उसके स्वागत में 2-3 महीने पहले तैयारी करते हैं, उसके लिए छोटे छोटे वस्त्र बनाना, उसके लिए झूला खरीदना और छोटी बड़ी जो व्यवस्था है उसको सुलभ हो सके करते हैं। किसी के घर विवाह हो तो साल भर पहले तैयारी करते हैं, बुकिंग सिस्टम, बारात के रुकने के लिए हॉल बुक करना, मंडप बनवाना, बाजे के लिए बुकिंग करना, बैंड बाजे बुकिंग करना, फूल वाले को बुक करना, वीडियो कैमरे वाले को बुक करना और कई रसोइयों को बुक करना, कई तरह की तैयारियां जो हम 6 महीने पहले ही कर लेते हैं। जन्म और विवाह समारोह जैसे किसी भी तरह की अड़चन किसी को ना आए, उसके लिए हमारी इतनी तैयारी है। किसी अनजान बच्चे के अवतरण के लिए भी हम तैयारी करते हैं महीनों पहले, डिलीवरी के लिए कौन सा हॉस्पिटल ठीक रहेगा, कौन सी डॉक्टर अच्छी है जो जच्चे बच्चे को संभाल सके, जिस हॉस्पिटल में चिल्ड्रन के लिए भी डॉक्टर हो जो बच्चे के स्वास्थ्य के भी ध्यान रख सके, जीवन और जीवन के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्या क्या खाना इसकी माँ को देना चाहिए, ये सब भी हम ख्याल करते हैं। माँ को कितना रेस्ट देना चाहिए, कितना काम करना करवाना है, ये सारी तैयारियां बच्चे के जन्म से पूर्व कर लेते हैं। मगर इस लोक से उस लोक, जिसे हम भगवान का लोक कहते हैं, परलोक भी कहते हैं, उस लोक जिसका मार्ग हमें पता नहीं, जिसे हम परलोक या भगवान का धाम कहते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं होती। इसलिए मनुष्य जीव या कहो आत्मा अंतिम विदाई रोते हुए लेता है, वह दुख में विदा होता है, खुशी खुशी विदा नहीं लेता। होना तो चाहिए खुशी खुशी विदा, क्योंकि जीवन भर की मैच्योरिटी उसके पास होती है, जीवन जिया उसका अनुभव उसके पास है, तो खुशी से विदा होना चाहिए। है तो जीवन को जाना ही होता है, तो दुख नहीं होना होता, मगर इंसान तो ताउम्र अपने को जानने की बजाय उल्टी यात्रा में संलग्न रहता है। इसीलिए जब यहाँ से प्रस्थान का समय आता है तो रोता है, क्योंकि उसकी राह अंधेरी होती है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई अच्छे कर्मों की रोशनी नहीं है उसके पास कि उसकी राह रोशन हो, बिल्कुल अंधकार खाली खाली होता है, अपवादों से सिर्फ भरा होता है कि जीवन निरर्थ हो जाता है, सार्थक नहीं हो पाता और बिना तैयारी के विदा होना पड़ता है तो दुखदायी लगता ही है। इस मनुष्य जीवन में मुख्यतः 3 प्रसंग हैं, जन्म मरण और परण। जन्म और परण मतलब विवाह की और हमारे पास बहुत तैयारी है, जन्म की हमारे पास बहुत तैयारी है, मगर मृत्यु के लिए कोई तैयारी नहीं है।
इस प्रसंग में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि तैयारी किस तरह होनी चाहिए। मैंने सुना है, वो कहता हूं आप में भी ऐसी तैयारी हो। एक नगरी में एक राजा था जहां पर हर 5 साल में वोटिंग करके एक राजा चुन लिया जाता था। उस राजा का कार्यकाल 5 वर्ष होता था। उसके बाद उसे सारे गांव वाले गाजे बाजे के साथ घोर उजाड़ जंगल के बीच अकेला छोड़कर आ जाते थे, और गांव वालों के लौटने के बाद उस राजा को जंगली जानवर चीर फाड़ कर नोच नोच कर खा जाते थे। ये बात उस नगरी के सारे लोग जानते थे। सो जो भी राजा बनता वो एक तो बिल्कुल करप्शन नहीं करता था, पाप कार्य नहीं करता था, क्योंकि और किसके लिए करें, उसे तो 5 वर्ष बाद इस राज्य से विदा हो जाना है। शेर चीतों का भोजन बनने के लिए तो होता यही था कि हर राजा 2-3 वर्ष तो ठीक से शासन कर लेता, मगर उसके बाद के 2 वर्ष वो राजा मृत्यु के भय से चिंताग्रस्त होकर उसका शरीर सूख कर झरझर हड्डियों का ढांचा रह जाता था। मृत्यु से पूर्व ही उसका शरीर मिटने लगता था। मगर एक राजा ऐसा हुआ, उसने देखा राजकोष में धन बहुत है, अपार संपत्ति पड़ी है, आज मेरे पास पावर है, क्यों न मैं उस जंगल में ऐसा कोई गोपनीय नगर बना लो जहां लोगों को ले जाके बचा लो। जब 5 वर्ष बाद इस नगरी को छोड़ के मुझे वह जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो मेरे लोग मुझे सकुशल उस नगर में ले जाए और मैं मेरे अगले जीवन काल तक उस नगर का सकुशल राज कर सकूं। तो उसने ऐसी सभी तैयारियां कर ली। अब वो राजा निश्चिंत था क्योंकि उस नगरी को छोड़कर जाने के पूरी तैयारी थी उसके पास। तो उसका शरीर चिंता से नहीं कटा। नगरवासी सोचते थे ये राजा विचित्र है, इसे मौत का भय नहीं है, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इसने तो विदा होने की पूरी तैयारी कर ली है। अब पॉइंट पर आता हूं, उस राजा ने तो मृत्यु से पहले के की तैयारी कर ली थी, इसलिए निश्चिंत था, मगर हमारे पास इस लोक से, इस नगरी से विदा होने की क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है, इसलिए हम अंत समय में भी दुखी होकर रोते हुए विदा होते हैं। और जब मनुष्य मरने की और लास्ट स्टेज में होता है तो उसके घर वाले क्या क्या नहीं करते, गायत्री सुनाते हैं, गीता पाठ सुनाते हैं, कुछ लोग तो मृत्यु से पूर्व ही गुरु पाठ भी सुनाते हैं कि इसकी यात्रा सुखद हो। जिस प्रकार परीक्षित को भागवत सुनाई गई थी, इसी प्रकार सुनाते हैं कि इसकी मां मोह छूट जाए और इसकी ये अंतिम यात्रा सुखद हो। मगर वह सुनता कौन थे? उसके आसपास बैठे लोग तो वो सब कुछ सुनते हैं, मगर जाने वाला तो वह नहीं सुन रहा होता है। वो इसलिए नहीं सुन रहा होता है कि वो तो अलग ही अपने हिसाब किताब को रिपीट कर रहा होता है, क्या किया क्या नहीं किया, क्या हो सकता था क्या नहीं किया, और भी ये चीजें करनी बाकी रह गई जो मैं कर सकता था, कहीं धर्म करना बाकी रह गया, कहीं पुण्य, कहीं किसी को हिसाब देना बाकी रह गया, कहीं किसी के लिए दुश्मनी थी उसका हिसाब नहीं लिया, इस तरह के हिसाब किताब में उलझा रहता है। उसका ध्यान धर्म ध्यान की ओर जाता ही नहीं, उसकी अलग ही उलझन है और वो उसको रिपीट करता रहता है और वही रील चलती है उसके दिमाग में। उसका सारा ध्यान खोया पाया कैलकुलेशन पर होता है, क्योंकि जग छूट रहा होता है और आगे की कोई तैयारी नहीं है, जीवन में भी विशेष कुछ कर नहीं पाया होता है। ऐसा भी कुछ और
जैसे बुद्ध और महावीर या राम कृष्ण की तरह कुछ काम किया हो, जिस वजह से दुनिया में मनोप्रांत भी उसका नाम रहे, वैसा भी कुछ किया नहीं होता। देखा जाए तो जन्म और मृत्यु जीवन के दो शोर हैं, दो पहलू हैं। या विदा होने का दुख है तो कहीं जन्म की खुशी भी है, कहीं उसके स्वागत की तैयारी है, उसके आने की खुशी है। ऐसे इस प्रकार देखो, जैसे स्कूल में छात्र पढ़ने जाते हैं, एक होशियार है, जीवन के प्रति, पढ़ाई के प्रति सचेत है, वो अपना सब कुछ पढ़ के सारे होमवर्क निपटा के मौखिक रूप से, फिजिकल रूप से, सब रूप से तैयारी करके शकुन सिख जाता है, उसे स्कूल जाने का कोई गम नहीं है। दूसरा छात्र थोड़ा मंदबुद्धि है, जीवन के प्रति लापरवाह है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह है, ज़्यादा वक्त और चीज़ों में बिता देता है, जो मास्टर जी ने होमवर्क दिया था वो भी करके नहीं जाता। तब स्कूल में पहुँचने पर डर महसूस होता है, क्योंकि मास्टर जी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, होमवर्क दिखाना होगा और वो होमवर्क हमने किया नहीं। तो दिखाएंगे क्या, तो डर तो रहेगा ही, तैयारी कुछ है नहीं। और दूसरा निर्भय है, क्योंकि उसका होमवर्क तैयार है। इसी तरह इस जगत के रंगमंच पर भगवान हमें भी कुछ कर्मों के होमवर्क देकर भेजते हैं, और ये हमारी कार्मिक यात्रा होती है संस्कारों के साथ, कि तुम्हें जीवन भर ये होमवर्क करके मेरे धाम को लौट आना है, मैं तुम्हारी परीक्षा करके तुम्हारी योग्यता के हिसाब से अगली यात्रा पर भेज दूंगा। और वे होमवर्क है प्रार्थना करना, सुख बांटना, सुख देना, अच्छी चीज़ों का सृजन करना, खुशी देना, खुशी लेना, और हम इनमें से कुछ भी तो नहीं करते। और क्लास की घंटी बज जाती है, हमारे इस लोक को छोड़कर उस लोक जाने की भी घंटी बज जाती है, और हमें मास्टर के सामने जाने के लिए विदा होना है जगत से, क्योंकि जो करना था वो नहीं किया। जो सजा मिलने का डर है हमें सताने लगता है, क्योंकि हम जीवन के अंतिम समय तक भी होमवर्क पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए ये मृत्यु संसार की बड़ी दुखदायी घटना मानी जाती है, क्योंकि तैयारी कुछ नहीं और यात्रा समाप्त, उस लोक के लिए प्रस्थान और तैयारी कुछ भी नहीं। मगर यही किसी संत या ईश्वर भक्त से पूछा जाए कि मृत्यु क्या है, तो वो कहेगा भगवान का अपने घर, अपने धाम बुलाने का निमंत्रण है मृत्यु। किसी साइंटिस्ट से पूछो तो वो कहेगा परिवर्तन की प्रक्रिया है मृत्यु, जन्म और मृत्यु कोई साधारण व्यक्ति से पूछा जाए तो इससे मृत्यु बहुत बड़ा डर बताएगा, हानि समझकर 6 महीने या साल भर रोता रहेगा। दुख इस बात का है कि जाने वाला इंसान तो वापस आएगा, मगर उन्हीं कपड़ों के साथ, मतलब उस शरीर के साथ नहीं आएगा, उसी शरीर में, उन्हीं रिश्तों में नहीं आएगा, कहीं भी जन्म ले लेगा। ये होता है, वापस तो आता ही है, मगर वह घर, वह परिवार ना भी हो, चाहे पुरुष होके आएगा, चाहे स्त्रैण चित्त हो, चाहे पुरुष चित्त। लेकिन अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं कि मृत्यु एक ऐसी नींद है, मनुष्य सोएगा इस घर में और जागेगा दूसरे घर में, मगर ये जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया है, इसे हम बदल तो नहीं सकते। लेकिन अगर हम बदल सकते हैं कुछ, तो वो है मृत्यु की
प्रक्रिया को कि हम कैसे विदा होना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। मृत्यु को सुखदायी या दुखदायी बना सकते हैं, रोते हुए विदा होना है या खुशी से हंसते हुए। आपने सुना होगा कई ऐसे प्रसंग भी कि गए तो अच्छा हुआ, हर चीज़ में हर बात में कुछ भी अच्छा नहीं करते थे, हर बात में टांग अड़ाते थे, गए तो शांत से जी तो सकेंगे हम लोग, बहुत कोलाहल मचा रखा था। कुछ लोगों को ऐसे लोगों की मूर्ति पर खुशी भी होती है, ऐसा क्यों होता है? क्या वो खूबसूरत नहीं थे, रंग गोरा नहीं था, सब कुछ था मगर नियति ठीक नहीं थी, इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं। और कभी कोई मरता है तो लोग ये कहते हैं इनके जाने से बहुत बड़ी हानि हो गई समाज की, इनके बदले हम चले जाते तो ज़्यादा हानि नहीं होती, क्योंकि उसकी यात्रा सत्कर्मों के साथ थी, उसकी सारी ऊर्जा कुछ पॉजिटिव करने में लगती थी। क्योंकि आज तक हमने देखा है जो भी इंसान जैसे विवेकानंद या कोई भी महापुरुष जैसे संत रविदास जी, मीराबाई, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी, परशुराम, ये आज भी हमारे साथ है, हमारे जीवन में जीवित है, वे अपने अपने पुरुषार्थ कर्म और आदर्श की वजह से जिंदा है। शरीर से न जिंदा है मगर कर्मों से जिंदा है। तो अगर हम कुछ बदलना चाहें तो मृत्यु की तारीख को तो नहीं बदल सकते, पर मृत्यु की स्थिति को जरूर बदल सकते हैं कि कैसे हमें विदा होना है। और जब हम देखते हैं कि अकाल मृत्यु बहुतायत में घट रही है आजकल, क्योंकि वातावरण ऐसे हैं, सुलभ हो गई है मृत्यु, आंकड़े सुनने पर तो भय लगने लगता है, हजारों में अकाल मृत्यु के समाचार मिलते हैं और मृत्यु के प्रकार भी कैसे कैसे देखे जाते हैं, कहीं भूकंप, कहीं पुल का गिर जाना, कहीं जल पल्ले, कहीं एक्सीडेंट, तो कहीं सुसाइड, कहीं मर्डर, नाना प्रकार से मृत्यु और प्राकृतिक आपदाओं में भी इसमें शामिल है। एक दो सदियों पहले किसी की मृत्यु होती थी तो पूछना पड़ता था कैसे हुआ, आज तो वजह अनेकों हैं, आज तो मृत्यु के अनगिनत सोर्स पैदा हो गए हैं। संचार के रंगमंच पर जब प्रवेश करते हैं हम तो सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये सिर्फ सोच ही रह जाती है। जीवन के लिए जो उपद्रव चाहिए, सुख सुविधा के लिए, वो हम करते हैं और उसके अलावा सत्कर्मों की ओर हमारी यात्रा नहीं होती। अगर सही अर्थों में समझे तो मृत्यु एक कल्याणकारी घटना है। मृत्यु एक ऐसी घटना है जो हमें भूतकाल को भुलाकर भविष्यकाल की दुनिया में वेर भाव सब भुलाकर हमें वर्तमान में शांति से जीने का अवसर देती है। और मृत्यु के बाद हम ये सारी विधियां भी करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है आज हमें समझ लेना चाहिए। वो जो भी है हमें समझ लेने जैसा है और हमें उनका कर्म कार्य और कर्मकांड के पीछे धर्म और विज्ञान को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मशीनवत उन प्रथाओं को निभाते जाते हैं। जैसे ब्राह्मण कहते हैं उन सारी विधियों के पीछे जीवन की बहुत, ब्राह्मण कहते हैं हम वैसा ही करते हैं पर हमें पता नहीं होता ये क्यों कर रहे हैं। उन सारी विधियों के पीछे जीवन की बहुत गहरी साइंस है जो हमें हमारा धर्म सिखाता है, जिनकी खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की है और हमें जानना भी चाहिए। पर जानने से पहले मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। जैसे आपका और आपके मित्र का बहुत अच्छा रिश्ता है, वो किसी वस्तु के लिए आपको मना नहीं करता। जैसे आपके पास करंट की एक मशीन है, कटर समझ लो, जिससे बगिया में पेड़ पौधों के पत्तों को काटा जाता हो, कटाई छटाई वगैरह होती हो, आप अपने मित्र से मांग कर लाते हैं, अपना काम करते हैं और बिगाड़ कर वापस दे देते हैं। उसे जरूरत थी, वो फिर ठीक करवाता है, यूज़ करता है और आप फिर जाते हैं थोड़े महीनों बाद
फिर लाते हैं, आपको ठीक से चलाना नहीं आता और किसी वजह से फिर से वो मशीन जल जाती है, आप ठीक करने की बजाय वापस खराब मशीन उसे लौटा देते हैं। उन्हें जरूरत है वो फिर से ठीक करवाते हैं और अपना काम चलाते हैं। इसी प्रकार आप चार पांच बार मांग कर लाते हैं, रिश्ता ऐसा है कि मना नहीं कर सकते, इसलिए वो देते हैं और आप खराब भी लौटा देते हो। अब वो आपके बर्ताव से तंग आकर वो आदमी अब वो खराब मशीन घर में यूं ही रख देता है लेने देने के लिए और अपने यूज के लिए दूसरी मशीन खरीद लाता है और वो बिगड़ी मशीन पड़ी रहती है, ठीक नहीं करवाता। और जो लोग आते हैं मशीन मांगने, उन्हें वो मना नहीं करता, वही बिगड़ी हुई मशीन दे देता है, क्योंकि हमें यही मिलेगा और मिलना भी यही चाहिए, क्योंकि ना हमने रिपेयर करवाई ना ये उसका खर्चा दिया कभी ठीक करने का, तो फिर हम खराब ही पाएंगे। कितनी बार अच्छी मशीन देंगे वो लोग आपको। इसी तरह शरीर भी पंच तत्व से निर्मित है और आत्मा के और परमात्मा के बीच रिश्ता भी बहुत अच्छा है, तो आपको वो शरीर लौटाता है, वो बहुत प्यारा है। इसमें इस लोक से उस लोक की यात्रा के लिए कोई किराया या कोई कीमत भी आपसे नहीं मांगता और आपको कुछ चुकाना भी नहीं है। आपका ये शरीर ये उसकी दी हुई सौगात के रूप में पाया है। अब तक मैंने अच्छा पाया था लेकिन जर्जर विकृत करके खराब लौटाया है। इस प्रकार कई बार जब हम करते हैं तो भगवान भी उस मशीन वाले ने जो अच्छे रिश्ते थे फिर भी किया, वही भगवान हमारे साथ भी करता है और हमें भी खराब लौटाया तो खराब ही मिलेगा। और ये पंच तत्व से बना है, ये हमारे ऋषि मुनियों को पता चला कि इसे जब कितना कुछ हमें ठीक करके दे सकते हैं, तो वो क्रिया हमें बताई। और पंच तत्व ये हैं आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। जन्म से लेकर मृत्यु तक इस साधन को यूज करते करते पाप भी किए, गलतियां भी की, कई तरह के व्यसनों का उपयोग भी किया। और इस प्रकार करते करते होता क्या है, ये शरीर रूपी साधन डैमेज हो जाता है, नष्ट होता है, विकृत हो जाता है। क्या हम इसका रिपेयरिंग करके लौटाते हैं भगवान को, यानी इसका शुद्धिकरण करके? नहीं करते। कई तरह की केमिकल युक्त दवाओं और इंजेक्शनों के धक्कों से तो ये चल रहा होता है शरीर। अप्राकृतिक चीजों के सेवन से, अप्रतिक कर्म व्यवहारों से हम इसे पूरी तरह से विकृत और नष्ट कर देते हैं। कईयों के तो अनेक प्रकार के ऑपरेशन और सिलाइयां भी इस पर लग चुकी होती है, और इस सब के बावजूद एक दिन प्रस्थान का समय आता है और हम अचानक इस साधन से विदा हो जाते हैं। तो इसके बाद हमारा परिवार जो विधि करता है, वो विधि क्यों करता है, यही वो कारण है इसके पीछे। न मैंने इसका शुद्धिकरण किया, न भगवान को इसके मूल्य का कुछ दिया, इसीलिए हमारे पीछे बचे परिवार वाले विधि करते हैं। सबसे पहले हम उस शरीर जिसमें आत्मा निकल चुकी है उसके मुंह में गंगा जल रखते हैं, चाहे पहले कभी हमने पानी का गिलास भी ना पिलाया हो, मगर मरने उपरांत कहां कहां से गंगा जल ढूंढ कर लाते हैं मृत शरीर के मुंह में। और हमें यह भी पता है कि प्राण शरीर से आत्मा निकलने के बाद अगर अमृत भी रख दे तो वो नहीं ले सकता है, मगर गंगा जल हम इसलिए डालते हैं उसके मुंह में कि हमने जीवन
जीते हुए जो जल तत्व को दूषित किया है उसका शुद्धिकरण हो जाए। जल तत्व की शुद्धि के लिए हम उसके मुंह में गंगा जल रखते हैं। फिर रखते हैं तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता आकाश तत्व की शुद्धता के लिए है। आयुर्वेद में इसे जीवन रक्षक बूटी भी मानता है। एलोपैथी में इसे एंटीबायोटिक भी मानता है। पहले जमाने में घर की शुरुआत होती थी तो उस आंगन में तुलसी का पौधा लगाया हुआ हर घर में मिल जाता था और होता ही था, क्योंकि हवाओं के साथ अगर बैक्टीरिया और कोई वायरल फीवर या बीमारियां प्रवेश करने की कोशिश करती तो तुलसी के आंगन में लगे उन तुलसी के बड़े पौधे से लगकर उन हवाओं को पास होना होता था। और तुलसी का तो ऐसा प्रभाव है कि तुलसी के आसपास 15 फीट की दूरी तक वहाँ से वायरस कोई गुजर जाए तो नष्ट हो जाए, तो सारे विषाणु घर में प्रवेश करने से पहले नष्ट हो जाते थे और परिवार को सुरक्षित हो जाता था। मगर आज हम एडवांस हो गए, तुलसी तो नहीं लगाते, फॉरवर्ड भी हो गए हैं। तुलसी का पौधा तो हमारे घर में होता नहीं है। हाँ, तुलसी का अर्घ रखते हैं, कहीं बाजार में मिल जाता है एक बॉटली, तो कभी जरूरत पड़ी तो एक दो बूंद पानी में मिला के पीना अपनी शान समझते हैं। तो तुलसी का पत्ता बॉडी में रखना आकाश तत्व की शुद्धता का कारण है। आकाश तत्व की शुद्धि के लिए हम तुलसी को रखते हैं। तीसरा है चंदन लगाना। चंदन केवल खुशबू के लिए ही मशहूर नहीं है, इसकी बहुत सी उपयोगिता है। जितना खुशबू वाला है उतना शीतल भी है, बहुत ठंडक प्रदान करता है। हमने जीवन काल में जितनी भी गर्मी या उष्णता शरीर में है इकट्ठी की है, कई तरह के तामसिक चीज़ों का उपयोग करके उष्णता को प्राप्त किया है, उसे शीतल करने के लिए चंदन लगाया जाता है और चंदन का टुकड़ा शरीर के साथ भी जलाने के लिए रख दिया जाता है। ये वायु तत्व को शुद्धिकरण के लिए, इससे वायु तत्व शुद्ध होता है। चौथा है घी। जो हम आरती पर आरती सजाने के बाद शरीर पर और आरती पर 2-5 किलो घी डालते हैं और ये घी अग्नि तत्व की शुद्धता के लिए है। जितने भी ज्वलनशील पदार्थ, जितने भी तैलीय पदार्थ है, ये घी उसमें उत्तम है। इसीलिए हम हिंदू इसे 16वां रत्न भी कहते हैं। इससे अग्नि तत्व की शुद्धता हो जाती है, जिसमें अग्नि तत्व की शुद्धि हो ही गई, लेकिन अग्नि के को अर्पित करने से पहले एक काम हम और करते हैं। मुंह में सोने का एक तिल भर छोटा सा टुकड़ा रखते हैं। ये भी हम हिंदुओं में एक करने की धारणा है। सोने का टुकड़ा भगवान को हम छोटा सा देते हैं उस शरीर के साथ, और सोने को हम कंचन कहते हैं, और ये हम भावना भगवान तक पहुंचाते हैं कि भगवान हम इस शरीर के साथ कंचन दे रहे हैं आपको, इसे नेक्स्ट जन्म में फिर कंचन काया देना। कंचन इसीलिए मुंह में रखते हैं। और अग्निदाह के बाद जो अस्थियां बच जाती है उन्हें दूध से होकर गंगा में विसर्जित करते हैं। ये पृथ्वी तत्व के शुद्धिकरण के लिए। इस तरह हम 5 तत्वों की शुद्धिकरण, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना था,
और उस शरीर के शुद्धिकरण की विधि करते हैं। उसके बाद 12 दिन तक दीपक जलाते हैं जो मरता है उसकी फोटो के सामने, और वो इसलिए कि जाने वाले की राह उस दीपक से रोशन रहे, उसकी राहों में अंधेरा न रहे, इसलिए दीपक जलाते हैं। क्या हमारा छोटा सा दिया इस लोक से उस लोक तक प्रकाश फैला सकता है? शायद नहीं फैला सकता, मगर हम प्रार्थना करते इस दीपक के प्रकाश से जाने वाले की राह रोशन हो और सदगति मिले, दुर्गति ना हो। हम दीपक के रूप में एक पुण्य का दीप जलाते हैं, प्रकाश को जलाते हैं कि जाने वाले का मार्गदर्शन हो। ये इस प्रकार भी है कि जो जीवन का प्रकाश है वो सदगति की ओर ले जाता है। अगर आपने सत्कर्म किए हैं, कई बार इंसान जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो डॉक्टर कहते हैं अब इसे दवाई काम नहीं करेगी, इसके लिए दुआ करो, अब इसे दुआ की जरूरत है। पर क्या उस वक्त दुआएं मिल जाती है? मेडिसिन तो फिर भी मिल जाती है, 24 घंटे कई मेडिकल स्टोर खुले रहते हैं, मगर दुआ कैसे मिले? दुआ तो पुण्य के प्रताप से आपके पास एकत्रित होती है, और अगर पुण्यों की जमाबंदी नहीं है आपके पास तो दुआ नहीं दे सकते, और वो भी दुआ करे तो उसके पास भी दुआएं होनी चाहिए ना। दुआ होती तो ऑटो सिस्टम से आपके अकाउंट में जमा हो जाती, और दुआ करने भी जरूरत नहीं पड़ती। पुण्य का प्रकाश दुआओं में परिवर्तित हो सकता था, जो हमारे जीवन को बचा सकता था। तो ये हमारे जीवन की लास्ट स्थिति बताती है कि हमारे पास पुण्य कितना जमा है। और उसके बाद एक विधि और करते हैं, अगले 12-13 दिन तक उसे जो भी भोजन प्रिय था वो उसे खिलाते हैं। खिलाते मतलब उसे बनाकर जो भी गाय कुत्ता बिल्ली कौआ जो भी मिले उसे खिला देते हैं, और रोज कुछ भोजन शमशान में भी रखते हैं कि उस तक पहुँचे। हम सब जानते हैं कि ये 13वीं के कर्मकांड के बाद जो भी ब्राह्मण या मैत्र को जो भी देते हैं वो उस तक नहीं पहुँचता। कुछ जाने वाला जब एक सुई खुद जाने वाला जब एक सुई भी नहीं ले जा सकता जाते वक्त, तो ये सब भी उस तक नहीं पहुंचता। ये हम भली प्रकार से जानते और पता भी है, क्योंकि जाने वाला अपनी बॉडी भी हमारे चार कंधों पर छोड़कर गया है, तो वो क्या ले जाएगा? नहीं ले जा पाएगा, फिर भी सारी उम्र और कोई पहुंचाई भी नहीं पाएगा। सारी उम्र इकट्ठा करने की भागदौड़ करता है जो भी, और अगर ले जा सकता तो न जाने कितना इकट्ठा करता, मगर परमात्मा कुछ भी ले जाने की परमिशन हमें नहीं देता। कर्मों की प्रिंट के अलावा हम कुछ नहीं ले जा सकते, कार्मिक कर्मी और संस्कार हम ले जा सकते हैं। तो ऊपर वाले का यह विधान है, खाली हाथ मुट्ठी बंधे आना और खाली हाथ विदा हो जाना। मुट्ठी बांध कर आते हैं तो भाग्य हमारे साथ होता है, पर जाते हैं तो भाग्य का यूज करके हम खाली हाथ पाप और पुण्यों के कार्मिक ट्रांजेक्शन के साथ, एक अकाउंट के अलावा कुछ नहीं होता हमारे साथ। मगर हम जो अर्पण करते हैं, क्योंकि फिर भी हम उसके पीछे अर्पण करते हैं, जो अर्पण करते हैं वो भौतिक रूप से तो शरीर से अलग हुई आत्मा को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हम भौतिक चीज़ें देते हैं और हमें पता है भौतिक चीज़ें उसे नहीं मिलते सकती, मगर जो अर्पण करते हैं उसके पीछे की भावनाएं उस तक जरूर पहुंचती है, और अगर भावनाएं पहुंचती है तो हम उसके पीछे वियोग में रोते हैं, जो आंसू बहाते हैं वो भी उस तक पहुँचते हैं। अगर ऐसा है तो रोकर हम उसके साथ ज्यादती जरूर कर रहे हैं, दुखी होकर कर रहे हैं, उसको दुखी ही कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर शरीर से आत्मा निकल जाए
तो वापस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। शायद शरीर में जाना उसके हाथ में है, उसी शरीर में फिर से आना उसके हाथ में नहीं है। आत्मा कुछ दिन यहीं आसपास भी अगर है तो उसके शरीर में को अग्नि में समर्पित कर चुके होते हैं हम लोग, तो वो वापस उस शरीर से संबंध बनाए तो भी किस तरह, कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में हम रो रो कर उसे दुख देते हैं, क्योंकि और वो वापस आ नहीं सकता हमारे आंसू पहुंचने के लिए, तो सिर्फ वो देखते हुए दुखी पा सकता है। और हमारे बंधने में उन आंसुओं की वजह से हमारे बंधनों के बंधन में वो रहता है, वो आंसू पहुंचते भी नहीं आ सकता। सोचो कितना दुखी होता होगा। ये हम ठीक नहीं करते उसके साथ। जाने वाले इंसान हमसे दो चीज मांगते हैं। कई लोग पूछते हैं संपत्ति तो नहीं, नहीं संपत्ति या कोई परिवार के लोगों को नहीं मांगते। उसे अब संपत्ति या उसकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ले जा नहीं सकता तो मतलब भी वास्ता ही क्या है। नहीं चाहिए वो तो उसके लिए मिट्टी है। अगर दो मांग होती है उसकी, और वो मांग होती है कि उसे परम शांति दे दो और उसे अपने से मुक्त कर दो, दे सकोगे? कई बार दुश्मन भी यही मांग करते हैं, दे पाओगे? ये दोनों चीज़ें हम नहीं दे पाते। देने चाहिए, क्योंकि तुम भी एक दिन इसी दुनिया से विदा हो जाओ, तुम्हें भी शांति और मुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी अपनी आगे की सुगम यात्रा के लिए। इसलिए दुश्मन को भी दुश्मनी से मुक्त कर दो, क्योंकि उसकी अंतिम समय में, क्योंकि जितना प्रेम का बंधन होता है दुश्मनी का भी उतना ही बंधन होता है। ये दोनों बच गए तो अगले जन्म की तक की यात्रा सुगम नहीं होगी। ये बंधन तुम्हें यहीं भटकाने को मजबूर कर देंगे। जब किसी से बंधन टूट जाता है, सारे संबंध टूट जाते हैं, दुश्मनी भी छूट जाए, हमने उसे मुक्त कर दिया, अब हमारे लिए वो एकदम पारदर्शी हो गया। तो आज के बाद वो मुक्त हो गया, हमसे कट गया। जब ऑफ हो गया ही है, कभी कभी क्या होता है हमारी उससे दुश्मनी हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है, तो हम कहते हैं आज से इस हमारी डिक्शनरी में उसका नाम कट हो गया। ये कहने के बाद भी हम कितनों को उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी या उसके द्वारा किया गया हमारे प्रति कोई गलत काम या इस प्रकार की दुश्मनी के किस्से हम लोगों को सुनाते रहते हैं, कहाँ हमने उसे मुक्त किया है, यूं ही कहते रहते हैं। हमारे दिमाग में तो वो बैठा है, अगर दिमाग में बैठा नहीं रहे तो उसका नाम ही नहीं लेते, लेकिन हजार लोगों से उसके किस्से सुनाते हैं। हम तो पकड़े ही बैठे हैं, ये कर्मों की गणित है, बड़ी विचित्र है, मनुष्य को जल्दी समझ नहीं आती। कबीर ने कहा है, जीवन पहली अटपटी, झटपट समझ ना आए, जो झटके से समझ ले तो खटपट ही मिट जाए। जो जीवन की पहली को झटपट समझ जाए तो उसके जीवन में कोई खटपट नहीं रहती, और न उसकी यात्रा अंतिम प्रस्थान भी बहुत सुगम रहता है। जो भी दोस्त हो या दुश्मन, जो आपके दिलो दिमाग में बसा है या परिवार, मुक्त नहीं हो सकता बंधनों से। इसलिए कहीं भी किसी भी अंतिम यात्रा में जाते हो या शांति यात्रा में जाते हो, तो उसे मुक्त कर दो, उसे शांति दे दो। क्या हमारे पास शांति नहीं है? और जब हम शांति देते जाते हैं तब हमारा चित्त और मनोस्थिति शांत होनी चाहिए। तत्काल करिए, ये कैसे करेंगे, क्योंकि शांति देने के समय हमारा चित्त शीतल नहीं है तो शांति भी हम नहीं पी पाएंगे। तो एक रास्ता है, जब हम किसी को शांति देने जाए तो हमारा शांत और शीतल होना चाहिए, और उसके लिए हमारे भाव जाने वाले के लिए बिल्कुल पारदर्शी हो, दर्पण में कहीं छाइयां ना हो, तभी हम किसी को शांति और
मुक्ति दे सकते हैं, इसीलिए दे देनी चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं मर जाऊं तो भी दृष्टि का छाया मुझ पर न पड़े, मेरी मृत्यु उपरांत भी मेरे ऊपर इसको कभी बुलाना मत। ये बहुत गलत बात है। अगर हम यूं ही चले गए तो कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और हमें जहाँ भी जन्म लिया उसकी दुश्मनी की लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए माफ़ कर दो, इसलिए शांति भी दे दो, इसलिए हमने हमारे सनातन में शांति को भी दान कहा है। जिस घर में भी कोई मर जाता है उस घर में खाना नहीं बनता और हम अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं तो नहाते हैं। मगर कहीं कहीं ये भी देखा गया हम इतने बेवकूफ़ हैं कि किसी को जिंदा मारकर जानवर को खा जाते हैं और नहाते भी नहीं। जीवन में की बहुत बड़ी उल्टी घटनाएं हैं। एक तरफ हम सारी उम्र जिसे कोसते हैं और मरने के बाद उसे हाथ जोड़ते हैं कि ये पूजनीय है, फिर घर आकर स्नान करते हैं कि वो अपवित्र था। कैसी रीत बनाई है हमने। पर स्नान उस लिए नहीं करते, उस डैमेज बॉडी में कई तरह के वायरस हो जाएं तो वो अग्नि के साथ स्वाह हो जाते हैं, लेकिन वह मरने के उपरांत जो क्रियाएं करते हैं हम, उस समय जो बॉडी वायरस छोड़ती है उस लिए हम स्नान करते हैं। और मरने के पीछे सारे कर्मकांड और विधियों का करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जाने वाले इंसान की कमी तो खलती है, क्योंकि कई इंसान अच्छे भी होते हैं। अच्छा इंसान था तो उसके कर्मों को उसके संस्कारों को अपने जीवन में धारण करना भी उसे अपने कर्मों में जीवित रख सकते हैं। बाकी तो बस डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन हर इंसान रिटर्न टिकट लेके आता है। कब जाना है ये उसे पता नहीं है और एक दिन विदाई का समय अचानक आ जाता है। मगर इस जीवन के पलों में अच्छे कर्म दान पुण्य कर लो, यात्रा सुगम हो सकती है।